Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी बिट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये आपका 6th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, तो फिलहाल आज के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र सुंग या वसुमित्र। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कमेंट करके भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। पतंजलि थे वो क्या थे, एक महान व्याकरणविद थे और ये सुमित्र सुंग के समकालीन थे। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन आपके पास कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्ता, राजश्री या कुमार देवी। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी, प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। ऑप्शन आपके पास पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, या पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, या राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद या रामदास। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन आपके पास फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिस। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना योगदान नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया पूछ रहा है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। ऑप्शन आपके पास लाला लाजपत राय, दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजेंद्र प्रसाद। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ऑप्शन आपके पास आफफ उद दौला, आसिफ जाह मिर्जा, सूजा उद दौला या यामिन उद दौला। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आसिफ उद दौला ने अवध के क्या थे, ये नवाब थे, इन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन को क्या नाम दिया गया था। लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या इनमें से कोई नहीं। थी यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गाँव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें नहीं थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में होना चाहिए, ये क्या था, ये उद्देश्य नहीं था, ये शर्तें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। ऑप्शन आपके पास न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी या लॉस एंजेलिस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन आपके पास दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन या जापान। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपके पास ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया,
ब्राजील, सूडान और मलेशिया, या वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धुंध जो नमी के कारण कणों से बना होता है उसे हम कोहरा कहते हैं, जो कि ठंडी के टाइम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? मरीना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये साउथ सैंडविच ट्रेंच। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास तेज और सम्मिलित विकास, तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, या तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो ये क्वेश्चन भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं और यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। जैसे कि डॉलर की तुलना में रुपए का मान जब घटता है तो क्या होता है, वो अवमूल्यन कहलाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ऑप्शन आपके पास घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनिमय, नई पीढ़ी बैंक, या वर्धित SLR। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्धित SLR क्या है? महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सेंट्रल बैंक। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? ऑप्शन आपके पास सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र की कंपनियां, असंगठित क्षेत्र, या परिवार। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार क्या है? एक बहुत ही प्रमुख योगदानकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके पास बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति की, आयंगर समिति की, या ठक्कर आयोग समिति की। यहाँ राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 या 9। ये क्वेश्चन भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं और इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विवाद ही क्या हुए थे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम पंचायत तंत्र के तीन स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति, या ग्राम सभा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है, यानी किस टेम्परेचर पर शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है?
जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, चार डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, चार डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब जल जमता है तो उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला या इनमें से सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी क्या है? प्राइमरी रंग है, प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रोनाल्ड ने, प्रीस्टले ने, जॉन नेपियर ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? दाहिना निलय, बायां निलय, बायां आलिंद या दाहिना आलिंद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आपको ही सॉल्व करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आपको ही सॉल्व करना है, मैथ के सारे क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर भी मैथ से रिलेटेड है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप एक बार सॉल्व करके आंसर मैच करा लीजिएगा, नहीं आता परेशान मत होइए, बाद में हम सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 35 की बात करें तो 35 नंबर का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर कह रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए, पतन, अपकर्ष, अभ्रष्ट या विकर्ष। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्कर्ष का जो विलोम होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्थान का विलोम होता है पतन, यहाँ उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन। कहते नहीं कि अर्जुन को मीन की आंख में क्या मारना है? तीर मारना था। मीन क्या था? मत्स्य की बात की जा रही थी, मछली की आंख में मारना था। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य। फिर कह रहा है कि माइकल ने गाना गाया इस वक्त में कौन सा काल है, यानी आपसे टेंस पूछ रहा है, काल पूछ रहा है कि कौन सा काल है। माइकल ने गाना गाया, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही गा चुका है, गाना गाया, तो ये भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? आनंद, अनंत, अखंड या असीम। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि विद्यार्थी उदाहरण है, यानी आपसे संधि पूछ रहा है, तो विद्यार्थी का हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद कर देंगे। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ क्या हो रहा है? स्वर स्वर का मिल हो रहा है, तो यानी स्वर संधि तो है ही, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि आ आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं, तो यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गद्यांश दिया हुआ जिसे पढ़कर आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो फिलहाल हम रीड करते हैं। इसमें कह रहा है कि मुझे मालूम था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है, जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। फिर कह रहा कि वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर वर्ष 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, यानी SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए भी नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह असंभव था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपने दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें,
फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे हैं। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिलजुल कर बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सके। ये किसका है? तीर्थ यात्रा स्रोत भीष्म साहिनी का एक पैसेज है, यानी उनकी एक किताब का पैसेज दिया गया था। हमने पैसेज तो रीड कर लिया, अब हमको आंसर देने। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, या ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक का मानना था, क्या मानना था? ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं, ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक का तो यही मानना था ना कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? ऑप्शन आपके पास केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, या संस्थापक की। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आत्म उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है? तो आत्म प्लस सम्मान यहाँ तो लगा, आत्म प्लस ईय आत्मीय परम धम आत्मा, यहाँ आत्मा क्या पीछे लगा हुआ है, यानी उत्सर्ग नहीं है ये, यहाँ आपका यह प्रत्यय है, आत्मा यह प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सी ऑप्शन में आत्म प्रत्यय का प्रयोग नहीं, सॉरी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी का संधि समास का उदाहरण बताइए, यानी शताब्दी जो है वो किस समास का उदाहरण? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समास विग्रह कर लेना है। शताब्दी यानी सात वर्षों, शताब्दी मतलब क्या होता है, 700 वर्षों का समूह, शताब्दी उसी को तो कहते हैं। ऑप्शन आपके पास द्विग, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जहां भी हम समूह की बात करते हैं वहां क्या होता है, द्विग समास होता है। अगर समूह की बात करेंगे नंबर की अगर बात आएगी तो वहां द्विग समास होगा ही होगा, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपका पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद आपको आंसर देना है। कह रहा है कि हवा चले अनुकूल तो नावे नवसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदिया से पानी की प्यास बुझाना आशा है, नित्य खोद कर नए कुएं जो अपनी सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। ये एक कविता के रूप में था, अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, या लहरों पर नाव चला देते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है, एक फसल, एक महीना, सहारा या सीढ़ी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहारा। बैसाखी मतलब क्या होता है, सहारा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार कौन सा है, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण या उपमा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो नित्य नए कुएं खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कामों में सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं। राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो अपने कामों से सबका हित करते हैं वो समाज में सदा सम्मानित रहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है, जो स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, वैसाखी के सहारे चलते हैं या परिश्रम से बीती बहरों को लौटा लाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं उनका जीवन आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। अब इसको क्या करना है आपको, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब आपको बताना है इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। ऑप्शन आपके पास सिमिली, मेटाफोर, एपोस्ट्रॉफी या ऑक्सीमोरन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे रीड करके आपको 52 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पैसेज देखते हैं, इसमें कह रहे हैं द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी हैज बीन वेरी ग्रेट, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड नीडल्स टू द ह्यूज आयरन सीट्स एंड जॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिक्वायर फॉर अवर एवरी डे यूज कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज वेयर scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and to use them for his own advantage. फिर कह रहा है कि it has brought the distant part of the world close together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of the astronomers like James and Eddington. Remarkable cures of human diseases have been possible owing to the discovery of some wonderful medicines. अब आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, the main idea of the passage is, option number, the impact of science can be felt in every sphere of life. Science is an anathema. Nothing is beyond the purview of science. Science can work miracle. Right option क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोड ऑफ अप्रोच इज लॉजिकल, एनाटोमिकल, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज इनेबल्ड मैन टू हार्नेस द हॉर्सेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन आपके पास आर्ट्स, ऑरेटरी, ब्रेवरी या साइंस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस हैज प्रूव्ड ए ग्रेट बून फॉर साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्सप्लोरर्स या मैनकाइंड। राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ से नहीं है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ से भी है, कैलेंडर से रिलेटेड, तो आपको इसका आंसर देना है, सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन को, फिर आंसर बताना है इसका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सोमवार, तो आप सॉल्व करके मैच करा लीजिएगा। फिर कह रहे हैं, इनमें से असंगत का चयन करो, शेर, मान, पक्षी घोंसला, बिल्ली म्याऊं या मधुमक्खी छत्ता। देखिए, शेर कहाँ रहता है, मान में रहता है, पक्षी घोंसले में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में बना के रहती है, लेकिन बिल्ली की आवाज दी गई है, इस वजह से ये क्या है, असंगत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे आपको सॉल्व करना है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को तार्किक क्रम यानी लघु से बृहत लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, महाविद्यालय, शिशु, वेतन, विद्यालय, रोजगार। राइट ऑप्शन क्या होगा, सही से मैच कीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, शिशु आता है, शिशु के बाद क्या आता है, शिशु आता है, शिशु विद्यालय जाता है, विद्यालय के बाद महाविद्यालय जाता है, फिर रोजगार पाता है, फिर वेतन पाता है, यही तो है। 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3 बी में है, तो बी ऑप्शन आपका क्रमण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत शुरू की थी यानी कहाँ शुरू की गई है, असम में, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है असम, भ्रमण सारथी योजना असम में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सदिर जापा रो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, लेबनान, लीबिया, क्यूबा या किर्गिस्तान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, किर्गिस्तान का जो क्या नया राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, सदिर जापा रो को, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है,
विधु विनोद चोपड़ा, अनुपम खेर, करण जौहर या शेखर कपूर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विधु विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु IUCN समर्थित एशिया संरक्षित भागीदारी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 साल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध पर किया जाएगा? गांधी सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, बाढ़ सागर बांध या भदभदा बांध। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है? सुमोना गुहा, तरुण छावड़ा, आनंदी शर्मा या विवेक मूर्ति। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमोना गुहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिट इंडिया इज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, नरेंद्र मोदी ने, श्री महेंद्रनाथ पांडे ने या श्री थावरचंद्र गहलोत ने। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा में संसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? 8, 10, 7 या 6। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 8 सदस्यों का वो 8 बार लोकसभा में संसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे, यानी 8 times लोकसभा में संसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे। कौन? रामविलास पासवान। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करें किस बैंक ने MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 नवंबर को या 10 अक्टूबर को। तो गाइस यहां जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन कायर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेरिन कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बदायूं में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रोहिलखंड से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके पास मुंडा, चेचू, संथाल और जंगिल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करें अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करके बताइए। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या बीडी जत्ती। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी इस टाइम जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 1971 से कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। ऑप्शन आपके पास 543, 534, 556 या 565। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दादर नगर हवेली की, पुडुचेरी की या लक्षद्वीप की। तो गाइज यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होता है। आगे के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो मैथ से रिलेटेड थे, मैथ के जो भी क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।